छप्पर इनकी सरकार की पंचर हो गया। अरे उनकी पंचर हो गया, नाम क्यों नहीं ले रहे? इतने बड़े बिजनेसमैन उनके नाम लेने में आपको शर्म आ रही है? बोलिए कांग्रेस ने वोट दिया प्रधानमंत्री को सड़क पे चलने से। बोलिए गरीब देश के गरीब प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने रोक दिया, सड़क पे चलना मुश्किल कर दिया है। एके मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक। मैं एके मिश्रा जी से शुरुआत करना चाहूंगा। मिश्रा जी, बहुत गंभीर सवाल है और कल से दो दिन से जो आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं और उन आरोप प्रत्यारोप के बीच कुछ नए वीडियोस निकालकर वहां से हमने एक रपट तैयार की, रिपोर्ट तैयार की और ये जानने समझने की कोशिश की कि कैसा लोकतंत्र हम बना रहे हैं। क्या लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का अब अधिकार नहीं रह गया? क्या जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कांग्रेस वाले नहीं घुस पाएंगे कल? जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं घुस पाएंगे? क्या ऐसा लोकतंत्र बनाया जा रहा है? मिश्रा साहब, देखिए मैं आपको बता दूं, जो है थोड़ा सा सुरक्षा जो होती है वो सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, नेसेसिटी आदमी की। रोटी कपड़ा मकान उसके बाद आता है। सुरक्षा अगर प्रधानमंत्री की बात है तब तो ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मल 100 नंबर पे अगर कोई एक साधारण आदमी भी फोन कर दे तो पुलिस की टीम पहुंच जाती है सुरक्षा के मामले में। यूपी में योगी जी के टाइम पे एक बच्ची ने मेरठ में फोन किया कि खाने के लिए कुछ नहीं है, तुरंत पुलिस टीम पहुंच गई। पंजाब की सरकार या कुछ ऐसे तत्व ये कितना गिरेंगे अपनी राजनीति के लिए? बड़े आराम से 1947 में इन्होंने दो टुकड़े कर दिए देश के, और आपके वीडियो से भी जैसी आवाजें आ रही थी उनको देख के मुझे ये लगता है कि क्या ये यही परिणित चाहते हैं कि सिर्फ अपनी राजनीति चमके? कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि अपनी राजनीति को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, राष्ट्र से भी ऊपर। क्या अपने राष्ट्र में ही कई तरीके के देश बन चुके हैं जहां पे कि देश का मुखिया ना जा सके? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पंजाब की सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री अगर है वहां पे तो उनको सुरक्षा देने के जितनी भी चीजें हैं, उनके पास अपनी स्टेट की प्रोविंस की फोर्स होती है, कमांडोज होते हैं, सारी फैसिलिटीज होती है। एक भी चीज उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, फोन तक नहीं किया, खेत तक नहीं। मिश्रा जी देखिए, सुरक्षा पर हमने कल चर्चा कर ली और ये बहुत गंभीर मुद्दे जो आप उठा रहे हैं। आज हमारा उससे आगे का सवाल है। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि हम कैसा लोकतंत्र बनाना चाह रहे हैं क्या, क्योंकि आज हमारा सवाल इस पर है, क्योंकि जो रैली थी कल चन्नी साहब ने कहा कि 700 लोग वहां नहीं थे। जी रावत जी, कैसा लोकतंत्र बनाना चाह रहे हैं? नहीं है, बना दिया 1947 में भी इन्होंने ऐसे ही बना दिया था, और जब से ये आंदोलन वगैरह चल रहा है बना दिया ना जिस तरह। कैसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं आप बोल रहे हैं, चाहते हैं फ्यूचर टेंस की बात? अरे भाई इन्होंने बना दिया, देश के प्रधानमंत्री का काफिला एक प्रदेश में नहीं जा पा रहा है, दूसरा आदमी नहीं जा पा रहा है, सुरक्षा कुछ ये उस जगह की अगर बात करें तो ये तो बनाना रिपब्लिक इन्होंने बना दिया, तो ये तो बनाना रिपब्लिक इन्होंने बना दिया। जो आप सुनना चाहते हैं सबसे सही जवाब यही है कि भाई ये क्या बनाना रिपब्लिक इन्होंने बना दिया है क्या? वाड्रा जी ने भी बोला था एक बार कि बनाना रिपब्लिक है, जो उन्होंने बोला था वही सत्य हो गया। वाड्रा जी की बात को जमीन पे उतारना हर कांग्रेसी अपना धर्म मानता है, जिहाद मानता है उसको। वाड्रा जी ने बोला था ये बनाना रिपब्लिक है, शुरुआत हो गई है बनाना रिपब्लिक की, कल परसों सब लोगों ने देखा, मीडिया ने देखा, हजारों कैमरों ने देखा। अब इससे ब्लंट और एक शब्द में क्या जवाब आपको दिया जाए? ठीक ठीक मिश्रा जी, देखिए ये कोई नई घटना है क्या? आपके लिए शायद नई होगी, लेकिन ये जो कार्यक्रम आज है हुआ, इसको आपको तब करना चाहिए था जब माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्वांचल पर प्रस्तावित यात्रा, जब वो आजमगढ़ में अपनी रैली करने जा रहे थे, उस समय योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बड़े बड़े कंक्रीट के बुलडोजर रख के वो रास्ता बंद कराया था, वो रैली स्थगित कराई थी, उनके सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मारपीट और पुलिस बल का प्रयोग हुआ था, तब इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो ये तो आपने जो बोया है वो आप काटेंगे ना, शुरुआत हुई है, अब चाहे कांग्रेस ने की हो या भारतीय जनता पार्टी। मतलब आप शिल्पी जी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए? अपने ऊपर अब बोलिए मिश्रा जी। देखिए मैं बड़े विनय के साथ समाजवादी पार्टी की जो हमारी मित्र बैठी हैं, इन्होंने जो उठाया कि अखिलेश यादव की रैली को अड़चन डाला गया, मैं मानता हूँ चलिए परमिशन दे दी गई थी। सवाल ये है ना, समाजवादी पार्टी रैली कब करती है साहब? रेला करती है, और उस रेला में ठेला भी हो जाता है तो लाखों लोग वहां पे, हजारों लोग मर सकते हैं, घायल हो सकते हैं। अनुशासनहीन पार्टी है, सरकार को सूचना तंत्र को ऐसी सूचना मिली कि अगर ये रैली करेंगे तो अराजकता होगी।
और उस अराजकता में लोगों की जान जा सकती है, स्टैम्पेडिंग हो सकती है, भगदड़ मच सकती है। इसके लिए प्रिकॉशन लिया गया। प्रधानमंत्री के साथ हजारों लोग नहीं जा रहे थे, वेल डिसिप्लिन। प्रधानमंत्री का काफिला, प्रधानमंत्री जी वेल डिसिप्लिन है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर आपने कभी डिसिप्लिन देखा है? इनको तो 10 लोगों की भी रैली नहीं करने देनी चाहिए। नहीं मिश्रा जी, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, ऐसे अगर हम रोक लगाने लग जाए जी, थोड़ी की जाती है। आप मुझे ये बताइए, इतना डिसिप्लिन वे में प्रधानमंत्री जी का काफिला चल रहा था, कहाँ प्रधानमंत्री जी की रैली और कहाँ समाजवादी, अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज की रैली, कहाँ गंगू तेली की रैली की बात कर रहे हैं जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं, कहाँ प्रधानमंत्री जी की रैली और कहाँ समाजवादी, अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज की रैली, कहाँ गंगू तेली की रैली की बात कर रहे हैं जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं। शिल्पी जी देखिए, बुटोला साहब बहस पे आए, मुद्दे पे आए। मिश्रा जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता था, इन लोगों के 2-3 ऑब्जेक्शन हमेशा रहते हैं, किस तरीके का लोकतंत्र बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज से चलते हैं। बुटेला साहब को याद दिलाइए, अगस्ता वेस्टलैंड का जो हेलीकॉप्टर है किसके लिए खरीदा जा रहा था, जो घोटाला हुआ था, इनको जरा याद दिलाइए। अडानी अंबानी की ये बात करते हैं, इनको पता नहीं है कि GDP में कितने % का कॉन्ट्रीब्यूशन अडानी अंबानी करते हैं। अरे वो बिजनेसमैन है, अडानी अंबानी टाटा बिरला सबको भगा देंगे तो नौकरी कांग्रेस सरकार देगी, कांग्रेस पार्टी नौकरी देगी, नौकरी और इकोनॉमिक ग्रोथ कौन देगा? कांग्रेस पार्टी देगी, झंडे उठवा करके देगी। देश की इकोनॉमी इन बिजनेसमैनों से नहीं चलेगा। आप इसको भगाने पे तुले हुए हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? देश की पंजाब सरकार, पंजाब सरकार अडानी से जो है कॉन्ट्रैक्ट करके बिजली बना रही है, सोलर सिस्टम का वो लगा रही है सर। उसके बाद खाए बुलबुला से परहेज करे, आज जाकर के पूछ लीजिए, देख लीजिए अडानी अंबानी से आपकी सरकारें, राज्य सरकारें कितना जो है टेंडर लेकर के उनके साथ बिजनेस कर रही है, बिना उनके तो चल नहीं। इनको प्रमोट करना चाहिए था अडानी अंबानी। आप बताएं ना, आप उस बात को खोल दीजिए कहाँ पे टेंडर किए जा रहे हैं। अंबानी अंबानी को कहाँ कांग्रेस ने टेंडर दिया, बता दीजिए। कर दो, इनके लिए एक ही बिजनेसमैन है, वो है रॉबर्ट वाड्रा, जो डीएलएफ के साथ बिजनेस करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा केवल एक बिजनेसमैन इंडिया में रहना चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा है ना पुटोला जी, यही है ना, केवल एक ही बिजनेसमैन है ना आपके, आपके हिसाब से एक ही बिजनेसमैन है रॉबर्ट वाड्रा। बोलिए देश में एक ही बिजनेसमैन है रॉबर्ट वाड्रा, बोलिए इस देश में एक ही उद्योगपति है रॉबर्ट वाड्रा, बोलिए इस देश में एक ही इंडस्ट्रियलिस्ट है रॉबर्ट वाड्रा, बोलिए ना, शरण क्यों आ रही है इस देश का इकलौता उद्योगपति है रॉबर्ट वाड्रा, उसका नाम लेने में शर्म आ रही है आपको? अरे बोलिए इस देश का इकलौता उद्योगपति कौन है रॉबर्ट वाड्रा, बोलिए ना, भाषा में लीजिए, जिन्होंने शरण क्यों आ रही है तुम्हारा जी, जो पूरे देश मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना दी थी, आप उनको रॉबर्ट वाड्रा मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना दी थी, मुस्लिम लीग के साथ तीन राज्यों में सरकार बना दी थी, इनको भगा देना चाहिए, चले जाए। रावत जी, मैं आपके मूलभूत सवाल पे आता हूं, यथार्थ को जितने भी विपक्ष है, देखिए कांग्रेस का इतिहास रहा है, आप पार्टी में कह रहे हैं दिल्ली के आंख बंद करने वाले लोगों को बेचा जा रहा है, किस तरह ये बिहेवियर कर रहे हैं। कांग्रेस के ही 2-2 प्रधानमंत्री इसी तरीके की घटनाओं में गए, भिंडरा वाले को पैदा किया कांग्रेस ने, पैदा किया उसी तरीके का लोकतंत्र पंजाब की सरकार कांग्रेस फिर बना रही है। इनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये सुधर जाए,
कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से पंजाब को इन्होंने जलाया था भिंडरांवाले को पैदा करके, उसी तरीके की परिस्थितियों का निर्माण ये सरकार जो है सहयोग करके कर रही है। इनसे पूछिए इस बारे में, इनको पता है कि भूल गए। अरे हमने अपना मुख्यमंत्री खोया वहाँ पे, इनको गिराया सुनाइए वहाँ पे। अरे तुम गए वहाँ, एक ही बिजनेसमैन है रावत पाटरा, बोलिए रावत पाटरा जी इस देश के इकलौते बिजनेसमैन है। मुंह में दही जम गया कि शर्म आ रही है, नाम नहीं आएगा। आठ साल में क्या कर दिया? अरे उसी इकलौते बिजनेसमैन का नाम ले लीजिए, क्या कर दिया, नाम ले लीजिए ना उसी इकलौते बिजनेसमैन का। हवा कुल इनकी सरकार क्या कर रही है? पंचर हो गया, हवा कुल की पंचर हो गया, नाम क्यों नहीं ले रहे? इतने बड़े बिजनेसमैन उनके नाम लेने में आपको शर्म आ रही है? मुस्लिम लीग से सरकार बनाने वाले तुम लोग अंग्रेजों के गुलामी करने वाले, अंग्रेजों के दल्लू, उनके साथ माफी मांगने वाले लोग आज संविधान की दुआई देते, जो कहते लोकतंत्र में हमें भरोसा नहीं, वो आज संविधान की बात कहेंगे, लोकतंत्र की बात कहेंगे। क्या योगदान था गरीब प्रधानमंत्री, क्या योगदान था देश के लिए आप लोगों का, क्या योगदान था देश के लिए? रोक लो ना जाके, कांग्रेस क्यों नहीं रोका जाके, बोलिए कि क्या योगदान था, बोलिए कि कांग्रेस ने रोक दिया प्रधानमंत्री को सड़क पे चलने से। बोलिए, गरीब देश के गरीब प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने रोक दिया, सड़क पे चलना मुश्किल कर दिया है। बोलिए कि कांग्रेस ने रोक दिया प्रधानमंत्री को सड़क पे चलने से। बोलिए, गरीब देश के गरीब प्रधानमंत्री को कांग्रेस ने रोक दिया, सड़क पे चलना मुश्किल कर दिया है। चलिए चलिए मिश्रा जी और मिश्रा जी बुटोला जी विषय पर आए, बहुत हो गया, मुझे लगता है समझ गए होंगे कि हम विषय पर ही बात करें, इधर उधर न जाए। ठीक मिश्रा जी, अंतिम कमेंट। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है, मैं लोकतंत्र कैसा हो इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक इसी तरीके का काम करके धीरे धीरे हवा दे करके पंजाब में एक बार लोकतंत्र के माहौल को पूरा खराब कर दिया गया था और दशकों तक जो है पूरे देश में उस चीज को भुगता था। तो जिस तरीके की इन लोगों की एक्टिविटी है, इन लोगों के स्टेटमेंट है, यहाँ के बिजनेसमैनों को भगा दो तो नौकरी कौन देगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं जिस तरह से ये लोग लॉजिक देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और इस तरह के माहौल को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए जो आगे चल करके बहुत दुखदाई हो जाए। इस देश ने इन सरकारों की इस तरह की गलतियों से बहुत दुखदाई दिन देखे हैं, दुख वाले दिन देखे हैं। इसको बनाना रिपब्लिक मत बनाइए प्लीज।